जिला उद्योग बंधुओं की मासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित मामलों का निस्तारण प्रमुखता के आधार पर किया जाए, कोई भी प्रकरण इस पर लंबित नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि नियमित रूप से पोर्टल का निरीक्षण किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि निवेश मित्र पोर्टल के लंबित सभी मामलों का रविवार तक निस्तारण कर लिया जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारी को नोटिस निर्गत करते हुए उनके वेतन रोकने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि गोरखपुर का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का दीर्घकालीन योजना तैयार किया जाए। इसके अतिरिक्त शासकीय योजनाओं से संबंधित कोई भी पत्रावली बैंकों में अनावश्यक लंबित न रखी जाए। पत्रावलियों का निस्तारण समयबद्ध ढंग से बैंकर सुनिश्चित करे ताकि उद्यमियों को भटकना न पड़े। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि उद्यमियों की समस्याओं के निस्तारण हेतु बैंकर्स का एक विशेष कैंप आयोजित किया जाए तथा अगली बैठक में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्लान का प्रस्तुतीकरण अवश्य किया जाए। उन्होंने कहा कि उद्योग बंधु की बैठक उद्यमियों के समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है, इसलिए संबंधित अधिकारी बैठक में अवश्य भाग ले, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, उपायुक्त उद्योग रवि शर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अभी और कुछ हुआ नहीं है, टेंडर हो गया तो क्या चल रहा है। तो एक रिक्वेस्ट ये है प्रोविजनल अलॉटमेंट करें, जैसे यूपीएस आईडीसी में पूरे उत्तर प्रदेश में होता है तो एक डेट डिसाइड कर सकते, मूलभूत सुविधाएं विकसित होने का डेट, उस डेट से वो अलॉटमेंट देंगे और सारे ब्याज वगैरह ये लगातार बीजाणु स्तर की कमी हो रही है। इस बार कम से कम ये छोटे छोटे उद्यमी हैं जिनके ऊपर इस तरह से ज़्यादा बहुत बड़ी समस्या है, सुविधा भी बहुत तब गीड़ा के भी सर, हम गीड़ा से हैं, यहाँ ये जिले की बैठक हो रही है, गीड़ा यहाँ भी गीड़ा का भी तो आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा, तो सारे गीड़ा से कौन आया जो बंदों की बैठक है लॉजिक ही नहीं। अगर गीड़ा नहीं आते हैं सर, आदमी गलत है ना, सीधा सबसे जानकारी होनी चाहिए। बिजली चाहिए, पॉल्यूशन चाहिए, उसके लिए उद्योग आधार की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो सर जनपद में अब तक 4,111 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है सर, रजिस्ट्रेशन किसी ने कर दिया। एक्चुअल वो यूनिट आपके यहाँ सर इसकी जांच टेलीफोनिक कुछ तो होनी चाहिए कि हाँ यूनिट चली कि नहीं, केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया आपके पास संख्या हो गई उसका मतलब कुछ नहीं है कि नहीं है, ये कभी वेरिफिकेशन इसका होता है नहीं होता। आप ये होना चाहिए, टेलीफोनिक होना चाहिए सर, आपके पास पूरा स्टाफ है, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, हम लोग के लिए होता था कभी पूरा फुल्ली ऑनलाइन होता है। सुरक्षा से आए श्रम विभाग, आप बताएं आप सब जो जो विभाग आज नहीं आते हैं जो की बैठक में आ कुछ रहते हैं और जो जो भी ये पेंडिंग रखते हैं वो स्वीकार्य होगी। उद्योग बंधु जैसे फोरम को भी आप लोग इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, ये तो स्वीकार्य होती है। टेरी फैक्ट्रीज को बोलने से नहीं चलेगा ना, निवेश मित्र टाइम बाउंड है, निवेश मित्र को भी फ्लॉप में थोड़ी देंगे आप, इसको देख लीजिए तुरंत का ये कल शाम तक आप मुझे चाहिए फीडबैक कि क्या हो रहा है, व्यक्तिगत फोन लोगों के लंबित भुगतान आदि कंसल्टेशन का उसे इस संबंध में और जो भी हम लोग आते हैं।